नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, गोवर्धन पूजा की आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज आप लोगों को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की कथा सुनाने वाली हूं। आप लोग मेरे साथ इस कथा में अंत तक बने रहिएगा और कथा पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं कथा आरंभ करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी नई नई कथा की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो अब मैं कथा को आरंभ करती हूँ। दोस्तों, कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन गोवर्धन पूजा का विधान किया गया है, यानी दीपावली के अगले दिन, और इस दिन सभी देव मंदिरों में अन्नकूट की सजावट की जाती है, जिसमें देव मूर्ति के समक्ष नाना प्रकार के पकवान बनाकर नैवेद्य के रूप में अर्पित किए जाते हैं। इस श्रृंगार को देखने के लिए मंदिरों में उस दिन भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार उस दिन ब्रजवासी नंद बाबा के नेतृत्व में इंद्र की पूजा किया करते थे, जिसे इंद्र याग कहा जाता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को इंद्र की पूजा करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि सब लोग मिलकर गोवर्धन नाथ की पूजा करें तो विशेष लाभ होगा। उनके कथनानुसार सभी ब्रजवासियों ने वैसा ही किया और 56 भोग लगाकर गोवर्धन नाथ की पूजा की। इसके फलस्वरूप इंद्रदेव कुपित हो गए और उन्होंने अपने मेघों को आदेश दिया कि तुम लोग मूसलाधार वृष्टि करके समस्त ब्रजमंडल को बहा दो। मेघों ने लगातार 7 दिनों तक ब्रज पर घनघोर वर्षा की। इस प्रकार का दृश्य देखकर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ की कनिष्ठिका यानी कानी उंगली पर धारण कर लिया। उस विशाल काय पर्वत के नीचे सभी गोपों को सुरक्षित रखा। भगवान की इस अद्भुत लीला को देखकर आश्चर्यचकित हो इंद्र घबरा उठे। इंद्र को श्री कृष्ण में ईश्वरत्व का भान हुआ। उसने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और उनका दुग्धाभिषेक किया। वह अभिषेक दूध जिस स्थान में बहकर एकत्रित हुआ उसे सुरभि कुंड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्र का मान मर्दन किए जाने पर अन्नकूट का त्योहार विजय पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, आपको मेरी कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ। मिलूंगी अगले कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।